तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप रियलमी एक्स सेवन मैक्स मोबाइल में आप ऐप लॉक को लगा सकते हो, और साथ ही साथ उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप अपने ऐप लॉक को फिंगरप्रिंट के द्वारा भी ओपन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जाना है, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक का, तो यहाँ लिखा हुआ है ऐप लॉक, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको अपना पैटर्न डाल देना है, जो भी आप रखना चाहते हो। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद पैटर्न डालने के बाद दोस्तों आपके पास ये ऐप्स आ जाएंगे, इनको आप चाहो तो अनटिक कर दीजिए, और उसके बाद लॉक पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है। दोस्तों कैंसिल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऐप, जिस भी ऐप को आपको लॉक करना है, सिंपली उस पर टैप कर देना है, और उसके बाद ऐप लॉक वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद आप और भी ऐप्स को यहाँ पर लॉक कर सकते हो। मैं दूसरे ऐप्स को भी लॉक करके दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट को। उसके बाद दोस्तों ऊपर आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा है ऊपर कोने में, तो आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक, इसको आपको इनेबल कर देना है, जिससे आपके ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट के द्वारा भी आप ऐप लॉक को ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों अब आपका ऐप लॉक जो है सक्सेसफुली सेट हो चुका है, अब आप बैक जा सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक।